टू अनदर व्लॉग। तो जैसा आप सभी को पता है कि मेरे पास दो हारमोनियम है। ये जो मेरा हारमोनियम है, माई फर्स्ट हारमोनियम, ये तो बहुत ज़्यादा सर्विसिंग मार रहा है, क्योंकि इसमें ये देखिए एक स्वर ऊपर नीचे, और इसका जो ये है ना, ये पूरा निकल गया है। ओ भैया, तो ये तो बहुत ज़्यादा सर्विसिंग मांग रहा है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं इसको लेके सर्विसिंग पे। दिस लिटिल बेबी इज गोइंग फॉर सर्विसिंग टुडे। मुझे ना वो याद आ रहा है, एक ट्रेंड चल रहा था पहले, कुछ महीनों पहले, वो इट्स रियली नॉट दैट बैड, इट्स जस्ट लिटिल शेपिंग टू द सर्विसिंग। और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ के आसपास की चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको वहीं चल के बताऊंगी। आप वहाँ पे आसपास में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग बस निकलने वाले हैं, और निकलने से पहले कुछ सामान है जो कि हमें लेके जाना है। तो सबसे पहले तो ये दो पानी के बॉटल्स, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए पानी का ऑर्डर रख लिया। अब एक बैकअप चाहिए, क्योंकि जो कैमरा है मेरा DJI, उसमें चार्ज बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, इसीलिए ये फोन एंड दैट्स इट। ये बैग हम लोग हमेशा कैरी करते हैं, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल थिंग्स हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब चलो निकलते हैं। अच्छा, बाय बाय। मैं और डुगू और पापा जा रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं घर से। यहाँ मैं फ्रंट सीट पे बैठी हूँ पापा के साथ, और पीछे डुगू बैठा है मेरे हारमोनियम के साथ। ये जो आपने ग्रीन वाली बस देखी ना, जिसमें ग्रीन नंबर प्लेट था, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक बस है, और वो बैटरी से चलती है, एंड यहाँ से वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक जाती है। ये एक मेट्रो फीडर बस है, यानी कि यहाँ पे जो सवारी होती है वो लेके दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक जाती है। अभी हम लोग पहुंचे हैं GTB नगर, और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर और है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए। बस बने रहिए ब्लॉग में, हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। हम लोग अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बस दुकान का नाम ऐसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहली बार आए हैं, तो हम लोग को पता नहीं है कि यहाँ पे वो दुकान कहाँ है, इसलिए हम लोग बस देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे वो दुकान का नाम है। किसी से पूछो तो, किसी से पूछ लो। पापा गए हैं अभी किसी से पूछने के लिए कि जो शॉप हम लोग ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअल में है कहाँ। ये देखिए, ये पुरानी दिल्ली है, यहाँ पे रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड है। तो मैं फाइनली वो शॉप मिल गया है, पापा ने गाड़ी पार्क कर दिया, वो हारमोनियम लेके आ रहे हैं। मिल गया अंकल, इसमें ना ये जो नोट है, ये देखिए ऊपर नीचे हो गए, और ये जो है ये पूरा निकल गया है। तो सर्विसिंग में हमने दे दिया है हारमोनियम को, अंकल ने कहा कि ट्यूजडे तक हो जाएगा। अब चलते हैं, आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे आसपास की चीजें घुमा देते हैं। अब मैं आप सभी को यहाँ पे आसपास की चीजें घुमाने लाई हूँ, और ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ और बहुत सारे दुकान, फ्रूट्स के ठेले। फालसा कैसे दोगे से बताओ, आधा किलो लेंगे। ये फालसा है, खट्टा में आओगे इसका। सिकंजी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, आपने पिलाया था एक बार। तो हमने यहाँ से फालसा लिया है, और अब लोग अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। इस मार्केट में आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो कि हमें बाहर और जगहों पे नहीं मिलती है, इसे हम लोग यहाँ पे। और आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगी ना, मैं क्या बताऊँ। वैसे मैं यहाँ पे ज्यादा आती नहीं हूँ, इसलिए जो चीज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ, वो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी है। एंड तुम पहले सस्पेंस खोल दो। सो अब दिल थाम के बैठी, मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ बहुत ही अच्छा चीज, जो कि है ये घंटा घर का टावर। वैसे दिल्ली में दो घंटा घर है, एक है जो यहाँ पे पुरानी दिल्ली में है, और एक है हरिनगर वाला घंटा घर। बट अगर आप किसी को बोलोगे ना कि घंटा घर जाना है, तो यहीं पे जाएगा, क्योंकि यहीं पे लेके आएंगे वो, क्योंकि ये सबसे पुराना घंटा घर है और बहुत फेमस है। फिर टाइम एकदम करेक्ट चल रहा है अभी भी। पहले में क्या होता था ना, कि जैसे एक बजता था या 12 बजता था, तो उतना बार ना उसका घंटी बजता था टंग टंग टंग। अभी तो शायद घंटी बंद हो गया, बिकॉज 12 बजे तो हम यहीं थे, घंटी तो बजा नहीं। तो अभी हम लोग पुरानी दिल्ली आ ही गए हैं, इसलिए मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ पुरानी दिल्ली का मोस्ट फेमस रबड़ी फालूदा। हम लोग उसको टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आए तो वो तो टेस्ट करना बनता ही है। चलो
देखिए ये रहा फालूदा का दुकान, ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही पुरानी दुकान है। यहाँ पे हम लोग फालूदा टेस्ट करने वाले हैं। इनका जो दुकान है वो 40 साल पुराना है, बहुत पुराना दुकान है इनका। और भाई मस्त रबड़ी फालूदा मिलता है यहाँ पे। तो फालूदा जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, चलिए टेस्ट करते हैं। ये है रबड़ी फालूदा, पुरानी दिल्ली का फेमस। ओके, थोड़ा आराम से। बहुत यमी, बहुत यमी। बहुत टेस्टी। रबड़ी का क्या फ्लेवर आ रहा है इसमें, अच्छा लग रहा है। क्रश्ड आइस भी डली हुई है ना, इसमें क्रश्ड आइस डली हुई है ना, तो वो मुँह में कचर कचर करके आ रही है काफी। मुझे आइस खाना अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगा। खाओ, कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ का फालूदा खा रही हूँ, पर बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा। थैंक यू अंकल। तो हमने फालूदा खा लिया है एंड यहाँ सामने में एक छोटा सा मार्केट है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसका झलक दिखा देती हूँ। ये देखिए मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिक यूनिक चीजें मिल जाएंगी जो कि पुरानी दिल्ली में ही मिलती है। देखिए यहाँ पे सब्जी मार्केट है, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, खीरा सब मिल रहे हैं। मैंने अभी पीछे एक वाटरमेलन के स्टॉल पे देखा, एक अंकल थे जिनके पास, मतलब वो ना कान साफ करने वाले। मेरी मम्मी ने बहुत पहले बताया था हमें कि ऐसे पुराने जमाने में ना एक अंकल आया करते थे, पहले तो एयरबड्स होते नहीं थे, तो एक अंकल आया करते थे जिनके पास एक केमिकल होता था, वो कान में डालते थे, तो कान का जितना भी वैक्स है ना वो ऐसे इधर आ जाओ भाई वैसे करके एक्सपैंड हो जाता था। उसके बाद फिर वो किसी टूल की वजह से उसको निकाल लेते थे एंड फिर वो पूरा कान यू नो साफ हो जाता था। तो मैंने अभी पहली बार देखा अंकल को लिटरली साफ करते हुए देखा मैंने। पुरानी दिल्ली का जाम देखिए, कितना जाम लगा हुआ है। यहाँ से गाड़ी जा भी रही है, यहाँ से आ भी रही है, मतलब एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही है। ये देखिए गाइस हमारा देश का झंडा किस तरीके से लहर रहा है, क्या मस्त तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजेस दिखेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा नॉर्थ कैंपस है। बहुत सुंदर तरीके से मतलब कॉलेज को ऐसे मेंटेन किया है ना, पूरा पेंट वेंट लगा के, इतने सारे पेड़। ये सारे नॉर्थ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय। गर्मी इतनी ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। एसी जो है ना गाड़ी का, वो बार बार ट्रिप कर जा रहा है, कितना बार खाली गर्म हवा फेंक रहा है, कितना बार हम लोगों ने शीशा खोला, उसके बाद फिर थोड़ा सा राहत मिला। हाँ पानी पी लो आप थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गर्मी है। निकालो बैग में होगा ग्रीन कलर का बॉटल। ये देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के सामने कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, चलिए जाके देखते हैं। तो यहाँ पे गांव का एक मॉडल बनाया हुआ है जो कि पूरा ही वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। प्लास्टिक का जो बॉटल होता है ना, उसका पीछे वाला पार्ट भी ये साइड में जो अलग बनाया है, थोड़ा सिल्वर। ये एक टेबल है जिसके अंदर की पानी एक ड्रम में रख के रखा हुआ है, और ये गांव में ऐसे पानी को कहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ग्लास बॉटल से बनाया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे।
ग्रीन कलर के जो ग्लास बॉटल्स होते हैं उसी कलर बैक कराया गया। कितना मतलब क्रिएटिव आइडिया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी चीजें बनाई गई है ना वो वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है, मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो बहुत ही सुंदर इसका बनावट है सेल्फीज के लिए एंड छोटे छोटे मोटे वीडियोग्राफी के लिए, बहुत ही सुंदर से सजाया गया है इसे। एंड अब चलते हैं हम लोग घर की ओर। तो हमने अभी आपको सारी चीज़ें दिखा दी है, ऑलमोस्ट और भी चीज़ें दिखानी थी बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, बट घर जाने से पहले पापा गर्मी लग रहा है, चलो प्लीज बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है मुंह के अंदर, ठंडा पानी पियो। ठंडा पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। आइसक्रीम एंजॉय किया जाए। बाहर से आने के बाद इतनी धूप लग रही थी, इतनी थक गई थी मैं कि मैं आते के साथ खाना खा के सो गई। आज मैं आपको खाना भी नहीं दिखा पाई, खाने में आज बना था दाल चावल चोखा सादा भोजन, और उसके बाद मस्त 2 घंटा में सो गई और अभी आपसे से बात कर रही हूँ। तो अगर आपसे ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दे, क्योंकि बहुत घूमी हूँ मैं धूप में, इतनी कड़ी धूप में मैं घूमी हूँ। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।